चिटफंड कंपनी द्वारा ठगे गए लोग आज मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव के नाम ज्ञापन देने के लिए उज्जैन कमिश्नर कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक विधायक और सांसद अनिल फिरोजिया को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कर पाया है। आज पूरे देश में सबसे बड़ा मुद्दा चिटफंड और रियल एस्टेट कंपनी द्वारा ठगे गए लोगों को न्याय दिलाने का है। इसी न्याय की आस में ठगी पीड़ित परिवारों द्वारा आज मुख्यमंत्री के नाम कमिश्नर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। यह एक गंभीर समस्या है जो कि शासन प्रशासन को हर बार ज्ञापन देते हैं और आ जाते हैं, मगर अब हमें जीना रास नहीं आ रहा है। शायद शासन को जगाने के लिए बार बार आते हैं और कोई हल नहीं निकल रहा। अब फरवरी में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। पूरा देश प्रधानमंत्री ने बट्स एक्ट कानून लागू किया था, मगर प्रदेश सरकार को जगाने की अब एक ही रास्ता बाकी है। संगठन के प्रदेश प्रवक्ता कमल किशोर, कुंडल संतोष पटेल, प्रदेश मीडिया प्रभारी ओम प्रकाश पटेल और नरेंद्र दबे और भंवर सिंह कैलवा कई अन्य साथी मौजूद रहे। उज्जैन से हाकम सिंह काकरेल की रिपोर्ट। सर, मामला तो हमारा पूरे देश का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मामला है जिसको कोई मुद्दे नहीं उठा रहा है कोई भी, क्योंकि हर जगह पूरे मध्य प्रदेश में ठीक है, पूरे भारत के अंदर ये ही एक ठगी पीड़ित जो प्रचार चल रहा है उसके माध्यम से हम यहाँ पे अभी आज हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है, इसके बाद में कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया है, प्लस हमने अपने माधव नगर थाने पे भी FIR की कापी निकाली है बिहार, और सांसद को भी दिया है और विधायक को दिया है, उज्जैन विधायक अनिल जी हमारे जो कालूगेड़ा है उनको भी ज्ञापन दिया है हमने, और इसके बाद में सांसद महोदय को भी दिया है हमने। इसके बाद में हम चाहते हैं कि मतलब हमारा ये मुद्दा सबसे छोटा नहीं है कि जिसमें एक नेता आता है और हजारों आदमी खड़े हो जाते हैं, जब चिटफंड का मामला आता है वहाँ पे कोई भी नहीं आता है तो सब मायूस हो गए हैं, और मैं हमारे सभी मित्रों से बोलना चाहता हूँ कि मायूस कोई भी नहीं हो। देखो, कोई भी चीज़ बना है वो फना है और हम फना है, और हम हमारा जीवन अगर मान लो इसी में अगर निकल जाएगा तो हम चाहेंगे कि हम पूर्ण हुए, चाहे वो किसी चिटफंड कंपनी का मामला हो, चाहे सहारा का हो, BSL का हो, पल्स का हो, या GN डेयरी का हो, या BNP का हो, या साईं प्रसाद, साईं प्रकाश, या बहुत सारी हजारों कंपनियां हैं हमारी जितने मध्य प्रदेश के अंदर, कम से कम अभी 36-37 कंपनी मतलब कि हमारे लाइन में चल रही है कि जो जिसके आदमी हमारे पास में है, बाकी तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी है कि जिनमें मतलब अभी लोग उलझे में पड़े हैं कि हम सोच नहीं रहे कि हम कहाँ जाएं। तो उनको मैं एक मुख्य मार्ग बताता हूँ कि हमारे जितने भी विधायक और कलेक्टर है और जितने भी सांसद हैं सभी को अवगत कराएं, और मुख्यमंत्री के पास में हम बहुत जल्द ही एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे, उसके विषय में मतलब कि पूरा मध्य प्रदेश एकत्रित होगा, और जो एकत्रित नहीं होगा, मैं अभी बायोडाटा बना रहा हूँ सभी का, और जो डाटा हमारे पास रहेगा उसी का मुद्दा उठाएंगे हम, बाकी घर बैठे हुए जो भी बैठे हैं उनके लिए हमारा कोई लेना ना देना कुछ भी नहीं रहेगा। जय हिंद, धन्यवाद।